आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन और फोकस मेटल कंपनियों पर रखेंगे। आज सुबह से इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही बातचीत हो रही थी कि जब चाइना मार्केट फिर से छुट्टी के बाद लौटेंगे किस तरह का एक्शन रहेगा। तो चीन के बाजारों में आज हमने देखा एक बम्प अप देखने को मिला, 10% ऊपर खुले, लेकिन वर्तमान अगर स्थिति मैं आपको बता दूं तो शांघाई अब सिर्फ 2% ही ऊपर है। ऐसे में मेटल इंडेक्स में क्या स्थिति उभर कर आ रही है, यतिन हमारे साथ है। यतिन, ये पूरा पैक काफ़ी हॉट था, अब आज सेल ऑफ को कैसे पढ़ा जाए? बिल्कुल, देखिए अगर हम चाइनीज मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये था कि स्टिमुलस के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स चाइनीज अधिकारी देंगे और कोई पर्टिकुलर डिटेल्स या कोई कॉन्क्रीट प्लान जो है वहाँ बताया नहीं गया। इनफैक्ट जो वर्ल्ड बैंक है इनका भी एक स्टेटमेंट आया कि चाइना का जो स्लोडाउन है वो आगे जाके एक्सेलरेट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो स्लोडाउन है उसको जो है आगे जाके आप संभाल नहीं पाएंगे और शायद ये ईस्ट जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं इस पर असर डाल सकती है। तो ये वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट था। और अगर आप चाइनीज़ मार्केट्स देखें तो डेज हाई से लगभग 5-6% नीचे हैं। हैंगसेंग मार्केट जो हांगकॉन्ग का बाज़ार है वो भी लगभग 6% नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाज़ार का एक्सपेक्टेशन था कि चाइनीज़ मार्केट मजबूत खुलेंगे छुट्टियों के बाद और मेटल शेयरों में रैली होगी, कहीं ना कहीं स्टिमुलस पे डिटेल्स नहीं आने के बाद और वर्ल्ड बैंक के स्टेटमेंट्स के बाद सारे के सारे मेटल स्टॉक्स इंटरनेशनली भी नीचे हैं और भारत में भी आप 4-5% की औसत गिरावट फ्रंटलाइन जो स्टील काउंटर्स हैं यहाँ देख रहे हैं। तो पूरी उम्मीदों पर आप कह सकते हैं चाइना ने पानी फेर दिया कि ना ज़्यादा स्टिमुलस आया और ना ही वो मार्केट सुपरी लेवल पर होल्ड कर पाए हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो एक सिरे से हमने देखा है मेटल्स जो हैं वो थोड़े से कोलैप्स करते हुए, करेक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। कोई शॉर्ट ट्रेड इस समय देवांग दिख रहा है क्या इन मेटल कंपनियों में, क्योंकि एक एंटिसिपेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई थी? तो मेटल की बात करें तो टाटा स्टील ने थोड़ा सा एक सपोर्ट भी स्टॉक्स में ब्रेक किया है, ऑल्सो एक थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड है तो पॉसिबल यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने मिल सकता है। अराउंड लेवल ऑफ 152 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 165 रेजिस्टेंस है टाटा स्टील के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट टाटा स्टील पर। चलिए इस बीच एक अपडेट आपको बता देते हैं कि क्या स्थिति उभर कर आ रही है। दरअसल हरियाणा में जो बीजेपी जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर हरियाणा में बीजेपी की जीत हो जाती है ये तीसरी मर्तबा होगा कि वो सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे। ताज़ा अपडेट के लिए दीपाली नंदा हमारे साथ है। दीपाली, सुबह में तो कांग्रेस की अच्छी खासी लीड चल रही थी, अचानक हम देख रहे हैं बीजेपी की लीड बनती दिखाई दे रही है। कोई खास सीट जहाँ पर इन्होंने अपनी ये लीड हासिल की है, क्या सुनने में आ रहा है? बिल्कुल सही कहा हर्षदा आपने कि सुबह 8 बजे जब से वोटों की गिनती शुरू हुई हम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का प्रवक्ता ही दिखाई दे रहे थे और बड़ी वजह यही थी कि कांग्रेस रुझानों में लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया कि 9:30 बजे के बाद आंकड़ों में काफी उलटफेर हुआ, बीजेपी अभी भी रुझानों में लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो ये जो नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया रुझानों में उसके बाद थोड़ी हलचल यहां पर देखने को मिली है। जो प्रवक्ता है वो सामने आने लगे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये भरोसा जता रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर वजह की बात करें, जो सवाल आपने पूछा, तो जो 8 से 9:30 बजे का वक्त मैं आपको बता रही हूं उस दौरान जब हम ऑफ कैमरा बीजेपी प्रवक्ताओं से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक डर था कि इस बार की लड़ाई हरियाणा में उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमने एग्जिट पोल के नतीजे देखे उसमें भी कांग्रेस को लीड होती हुई दिखाई थी और जिस तरह से शुरुआती रुझान हुए उसमें भी कांग्रेस आती जा रही थी। तो 9:30 बजे तक बीजेपी भी डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन 9:30 बजे के बाद से स्थिति में बदलाव आया, आंकड़े बदले, रुझानों में इलेक्शन कमीशन के जो रुझान है उसमें बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई थी। लेकिन अभी भी बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, कोई भी बड़ा नेता बीजेपी मुख्यालय पर फिलहाल नहीं पहुंचा है। लेकिन सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने महासचिवों के साथ एक बैठक बुलाई है, क्योंकि ये भरोसा अब दोबारा से जग रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। और जानकारी सोर्सेज से ये भी मिल रही है कि जिस तरह के रुझान
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाई दे रहे हैं, वही रुझान लीक करते हुए नतीजों में बीजेपी के लिए बदलते हैं, तो देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं, बीजेपी समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं, देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। जो वजह कहीं ना कहीं जब बीजेपी पीछे जा रही थी तो प्रवक्ता बता रहे थे कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो दलित और जाट वोटर्स बटा हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखें तो 47 से 48 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और यही जो लीडिंग नंबर है बीजेपी को एक बार फिर से आश्वासित कर रहे हैं कि वो तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी और एक से डेढ़ घंटे का वेट करना चाहेंगे क्योंकि अभी भी कुछ राउंड्स की जो गिनती है वो बाकी है, उसके बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो ये दीपाली एक ताज़ा हाल बताती हुई बीजेपी मुख्यालय में किस तरह का एक्शन बना सुबह से और अब क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, तो बहुमत की ओर अब बीजेपी बढ़ती हुई। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। ये हरियाणा राज्य चुनावों के जो गिनती हो रही है वोटों की उसका एक अपडेट था। ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में जो एक एक जगह खाली है अरुण और अमोल के लिए, उसमें कोई अपडेट आता है या नहीं।